हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हार्ड डिस्क पार्टीशन कैसे बनाएं। तो हार्ड डिस्क पार्टीशन कैसे बनाएं, पहले बात कर लेते हैं कि हार्ड डिस्क पार्टीशन होते क्या हैं। तो हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी हार्ड डिस्क होती है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, तो उसको उस हार्ड ड्राइव को हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं। एंड अपनी हार्ड डिस्क को अलग अलग पार्टों में बांटना ही हार्ड डिस्क पार्टीशन कहलाता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन, एंड यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो यहाँ पे आपके लिए मैं दिखा देता हूँ फाइल मैनेजर पे, यानी कि माय पीसी पे जाके। तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ चार ऑप्शन मिलते हैं, सीडी का, विंडोज़, रिकवरी एंड यूएसबी ड्राइव, जो कि मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है इसमें, ठीक है। एंड तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमको जाना है दिस पीसी या फिर माय पीसी, इस पे हमारे लिए राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, एंड यहाँ पे हमको क्लिक करना है मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ये ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से ओपन होगी तो यहाँ पे हमारे लिए डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी पार्टीशन ओपन हो जाएंगे जो हमारे में है। यहाँ पे जो जी है वो है मेरी पेन ड्राइव, एंड यहाँ पे डिस्क जीरो, पार्टीशन वन, पार्टीशन फोर एंड रिकवरी एंड विंडोज जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे बनाना है एक न्यू हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आप कहाँ पे न्यू हार्ड डिस्क पार्टीशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरी जी है, मैं अपनी पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन मिलता है एक श्रिंक वॉल्यूम का, तो श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, एंड यहाँ पे ये पॉपअप ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको साइज डाल देना है कि कितनी एमबी का हम बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2000 MB, ठीक है ना। तो 2000 MB डालने के बाद सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक करना है श्रिंक पे। सिरिंक पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखेंगे एक अनलॉकेटेड ऑप्शन आ जाएगा जो कि 1.95 GB का है, यानी कि हमने 2000 MB टाइप किया था तो वो बना है 1.95 GB। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन मिलता है न्यू सिंपल वॉल्यूम, इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे लिए एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइज होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे लिए एक ड्राइव लेडर सिलेक्ट करना होगा, अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट, मान लीजिए एस को सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट, एंड इसके बाद फिर से क्लिक करना है नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, एंड यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपके लिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, एंड इसको हम करते हैं आप क्लिक, एंड फिर से करते हैं रिफ्रेश और जाते हैं फाइल मैनेजर में, क्या हमारा जो न्यू हार्ड डिस्क पार्टीशन बनाया है वो बना है या फिर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यू वॉल्यूम हमने बनाया था, जो कि हमने नाम डाला था, वो है एस, और यहाँ पे 2 GB का एक न्यू हार्ड डिस्क पार्टीशन बन चुका है, जो कि है भाई 1.93 GB, यानी कि 2000 MB का। एंड यहाँ पे हम कुछ भी फोल्डर बना सकते हैं या फिर जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।